वार मेरे भाई लोग, क्या हाल चल है? फिल्म मेरे को बहुत सारा बंदे कमेंट कर रहा था भाई M1887 के ऊपर वीडियो लाओ, तो फाइनली आ चुके M1887 के ऊपर वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं M1887 का कुछ ऐसा सेटिंग्स, कुछ ऐसा न्यू सीक्रेट ट्रिक, जो सारा सेटिंग्स एंड ट्रिक को फॉलो करने के बाद आप लोग M1887 से हर एक बुलेट को बंदे के हेड पे कनेक्ट कर पाओगे एंड हर एक शॉट को वन टैप हेडशॉट कर पाओगे। सो गाइस, ये वाला वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो सेटिंग एंड ट्रिक बताने वाला हूं ना, एकदम ही न्यू है एंड यूट्यूब पे शायद अभी तक कोई नहीं बताया सारा ट्रिक एंड सेटिंग्स के बारे में। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। अब वीडियो स्टार्ट करने का, अगर आप लोगों के पास डीजे का डायमंड नहीं है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया, जाओ फॉलो करो, डीएम करो, मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो अगर हम लोग बात करते हैं न्यू M1887 वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं पहले वाला ट्रिक के बारे में। सो जो पहले वाला ट्रिक है ना, काफी ध्यान से देखना गाइस। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बोला होगा, जब आप लोग M18 से हेडशॉट मारोगे ना, ये जो जॉयस्टिक है ना, इसको यूज नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बोला होगा, इवन मैं भी कोई कोई वीडियो में बोला हूं, ये जॉयस्टिक को मत यूज करना वन टैप हेडशॉट मारते वक्त। बट इस वीडियो में मैं बोलूंगा इसको आप लोग को यूज करना, जॉयस्टिक को यूज करके आप लोग हेडशॉट मारना है। अब देखो, इसका सही एक तरीका है, अगर आप लोग हर समय जॉयस्टिक को यूज करोगे ना, तो आप लोग का बिल्कुल ही हेडशॉट नहीं लगेगा, वन टैप हेडशॉट बिल्कुल ही नहीं। ये जॉयस्टिक को यूज करने का एक सही तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब ये सही तरीका क्या है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, अगर आप लोग लॉन्ग रेंज पे, ऐसे लॉन्ग रेंज पे मान लो वो एनिमी और मैं लॉन्ग रेंज पे, उससे बहुत ज्यादा दूर हूं, तो उस टाइम पे कभी भी आप लोगों को जॉयस्टिक यूज करके ड्रैग नहीं करना है, आप लोगों का हेड नहीं लाएगा, बुलेट रिकॉइल खा जाएगा, नहीं तो बंदे की बॉडी पे लॉक हो जाएगा। जब लॉन्ग रेंज पे रहोगे ना, तब आप लोगों को जॉयस्टिक कभी यूज नहीं करना है, जॉयस्टिक को यूज नहीं करना है। बट अगर आप लोग एक्सट्रीम क्लोज रेंज में आ गए, एनिमी की एकदम एक्सट्रीम क्लोज रेंज, मान लो ये एनिमी और ये मैं हूं, एनिमी की एकदम एक्सट्रीम क्लोज रेंज, तब आप लोग जॉयस्टिक को यूज करके ड्रैग करना है। देखो, जॉयस्टिक को यूज करके ड्रैग के इजिली वन टैप लग गया। देखो, इधर जॉयस्टिक को यूज किया, ड्रैग के इजिली वन टैप लग गया। फिर से मैंने जॉयस्टिक को यूज करके ड्रैग करूंगा, इजिली वन टैप लग जाएगा। फिर से मैं और एक बार दिखा दो, रिलोड होने दो, फिर से मैंने जॉयस्टिक को यूज करो, ड्रैग किया, इजिली वन टैप लग गया। तो अगर आप लोग क्लोज रेंज पे हो, ध्यान से सुनना, एक्सट्रीम क्लोज रेंज पे हो, तो आप लोग ऐसे जॉयस्टिक को ऐसे मूव करके ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एनिमी से आप लोग थोड़ा सा भी दूर हो ना, तो ये चीज कोशिश भी मत करना, आप लोग का बिल्कुल भी वन टैप नहीं लाएगा। होप सो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग एनिमी की क्लोज रेंज पे हो ना, तभी आप लोग जॉयस्टिक को यूज करना है, लॉन्ग रेंज पे कभी यूज नहीं करना है। सो गाइस, ये काफी अच्छा ट्रिक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। ओके, अब जो दूसरा ट्रिक है ना, वो है क्राउच एंड ड्रैग। अब यार अपडेट आया, आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों आगे अपडेट आया था। अपडेट आने के बाद ना M1887 पे काफी ज्यादा वर्क करने वाला ट्रिक, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब भी आप लोगों को ड्रैग करना है ना, क्राउच बटन दबा के तुरंत आप लोगों को ड्रैग करना है। कैसे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे ही मान लो सामने एनिमी है, मैंने क्राउच और ड्रैग किया, इजिली वन टैप लग गया। फिर से मैंने दौड़ के जाता हूं, क्राउच और ड्रैग किया, इजिली वन टैप लग गया, दिख रहा है। सो गाइस, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस जाना है, क्राउच होना, ड्रैग करना है एंड आप लोगों को वन टैप लग जाएगा। एंड आफ्टर अपडेट ना, ये वाला ट्रिक काफी ज्यादा वर्क कर रहा है। सो गाइस, आप लोग ट्राई कर सकते हो, एंड ये ट्रिक काफी अमेजिंग है, मैं खुद यूज करता हूं पर्सनली। सो गाइस, आप भी यूज कर सकते हो क्राउच एंड ड्रैग। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं इन गेम सेटिंग्स के बारे में, यानी सेंसिटिविटी के बारे में, बेस्ट सेंसिटिविटी क्या है M1887 से वन टैप मारने के लिए, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। दोनों डिवाइस का बताऊंगा, लो एंड डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस, दोनों डिवाइस का बताऊंगा, ठीक है। सुनो, अब ये जिस डिवाइस पे आप लोग गेम खेलते हो, वो डिवाइस अगर आप लोगों का लैग करता है ना, तो आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी को 70 पे सेट करना है, ठीक है। सिंपली आप लोगों को 70 पे सेट करना है, अगर जिस डिवाइस पे आप लोग गेम खेलते हो डिवाइस लैग करता है, तो अगर आप लोगों का फोन लैग नहीं करता है, तो आप लोग इसको सिंपली 100 कर दो, ठीक है। अगर लैग करते हो तो 70 पे सेट करो, अगर लैग नहीं करते हो तो 100 कर दो, ओके। अब यार बात करते हैं रेड डॉट के बारे में। सो गाइस, रेड डॉट अगर आप लोग का फोन लैग करता है ना, तो सिंपली इसको आप लोग 50 में सेट कर लो, ठीक है। एज यू कैन सी, मैंने 50 में सेट कर लिया। अगर आप लोग का फोन लैग करता है, तो इसको 50 में सेट करो। अगर आप लोग का फोन लैग नहीं करता है ना, तो आप लोग इसको 80 पे सेट करो, सिंपली आप लोग 80 पे सेट करो, ओके। आई होप सो समझ गया, मैंने दोनों डिवाइस के लिए सेंसिटिविटी बता दिया, आप अपने डिवाइस के हिसाब से सेंसिटिविटी लगा लो, ये बेस्ट सेंसिटिविटी होता है M1887 का, ओके ओके। मुझे पता है वीडियो छोटा था, बट जितना भी ट्रिक था कमाल का था, ठीक है। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, तो मेरे को कमेंट करो, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और चलो, अब यार मिलते हैं अगला वीडियो में, अगला कौन सा टॉपिक वीडियो बनाऊं आप लोग जरूर से कमेंट करना। तो चलो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड ऑलवेज कीप गुड बाय।